चलो बच्चों लोग, सोने का नहीं, ये भी है। सम नंबर वन, एफ ऑफ टू फोर, एफ डैश ऑफ टू फोर, देन लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स एफ ऑफ टू माइनस टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स एफ ऑफ टू माइनस टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस टू, थोड़ा अलग समय। सो पुट एक्स एस टू टू एफ ऑफ टू माइनस टू एफ ऑफ टू जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर। सो बाय एल एच आर, दैट इज एल डी हॉस्पिटल रूल, लिमिट एक्स टेंस टू टू, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है वन माइनस जीरो वन, एक्स एफ ऑफ टू का डेरिवेटिव एफ ऑफ टू कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन माइनस टू कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स। फाइन, नाउ एफ ऑफ टू माइनस टू एफ डैश ऑफ टू अपॉन वन, पुट एक्स एस टू, यस एफ ऑफ टू इज फोर, एफ डैश ऑफ टू इज ऑल्सो फोर, कितना आएगा रे माइनस फोर, बराबर है, समझ में आया। बाय एल एच आर जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, लिखो जिनका होगा उनके लिए अपेक्स सम दिया है, सेकंड सम। लिख दिया, चलो बताओ सम नंबर टू, पढ़ रहा हूं नहीं दिखाई दे रहा तो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, एक्स नॉट इक्वल टू टू, टू के एक्स इक्वल टू टू इज कंटिन्यूस, देन के इक्वल टू कितना, कौन बता रहा है, रेज योर हैंड, माइक ऑन करो और सॉल्यूशन बताओ। सम समझ में आया, साइन ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, क्या क्या समझ में आया, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, एल एच आर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बताया, एफ ऑफ टू कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस टू इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन वन, कितना हुआ एक्स वैल्यू टू माइनस फोर। Okay, चलो आगे बताओ नेक्स्ट, कौन बता रहा है, हाँ रचना, रचना रोल नंबर वन, हेलो, हाँ बोला सर, x माइनस टू ला एच टाकायचं, ओके x माइनस टू एज एच, हाँ सो x इज टू प्लस एच, x इज टू प्लस एच, हाँ सिंस x टेंड्स टू टू एच टेंड्स टू जीरो, ओके मग f ऑफ x इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो, हाँ साइन ऑफ e रेस टू h माइनस वन, हाँ अपॉन लॉग ऑफ वन प्लस एच, असे ओके x इज टू प्लस एच, एकदम सिंपल सम है, टू प्लस एच माइनस वन, टू प्लस एच माइनस वन, वन प्लस एच बराबर है, हाँ समर डिवाइड बाय एच, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एच अपॉन लॉग वन प्लस एच अपॉन इट, समग साइन ऑफ थीटा एज थीटा टेंड्स टू जीरो अपॉन एच म्हणजे वन असू होईल ना ते, कारण ई रेस टू एच मायनस वन ऑल्सो टेन्स टू झिरो अँड एच ऑल्सो टेन्स टू झिरो, सो वरती वन होईल, कसं काय वरती वन होईल भाई सर, कारण साइन ऑफ जो थीटा आहे ब्रॅकेट मध्ये तो टेन्स टू झिरो आहे ना, कुठे टेन्स टू झिरो आहे सर, मग कारण मग तो लॉग ही करायला ते ब्रॅकेटच्या आत हवं ना, हा मग तेच तुला म्हणतोय मग मी, डिवाइड बाय एच,
पुढे याला काय असेल? हा सम ऑफ ब्रैकेट चा आत मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच ई रेस साइन ऑफ ई रेस टू एच माइनस वन हा अपॉन एच ते ब्रैकेट चा आत मध्ये थीटा झाला असं. अगं बाई कसं का तो अपॉन एच करणार काय 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 तर मल्टीप्लाय अँड डिवाइड पण हो ना, पण अँगल काय आहे? व्हॉट इज अँगल सर? ई रेज टू एच मायनस वन अपॉन एच इन टू एच असा आहे अख्खा अँगल. हा नाही सर, ते ब्रॅकेट मध्येच. हो ना, ब्रॅकेट मध्येच ना. मग ब्रॅकेट मध्येच याच्याने काय होईल सर? मग ते लॉग ही होईल आणि आपला ऑलरेडी खाली एच आहे ना. अगं बाई हा साइन मध्ये तू लिमिट कसं काय घुसवशील? साइन मध्ये लिमिट कसं काय घुसवशील तू? सर ब्रॅकेटचा आतलं लॉग ही होईल ना पण. अगं तू लिमिट याला देशील कसं काय? साइनच्या ट्रिग्नॉमेट्रीच्या आतमध्ये लिमिट नाही देत तू. साइनच्या लिमिट नाही देत बळा. सर काय रचना तू यॉर्कर वर छक्के मारते जबरदस्त आणि फुलटॉस वर बोल्ड होते. नॉट गुड, थिंक केअरफुली. और कोई बता रहा है? किसको आ रहा है? एकदम सो सिंपल वाला, सो सिंपल रचना. सांगा निसर्ग मैडम सांगा. हेलो सर, साइन ई रेस टू एच मायनस वन ला डिवाइड आणि मल्टीप्लाय करायचं ई रेस टू एच मायनस वन नी. ई रेस टू एच मायनस वन इन टू ई रेस वरती आणि मग नंतर अख्ख्या टर्मला एच नी डिवाइड करायचं. ते केलं ना बाई ऑलरेडी. हा मग सर ते वन होणार साइनच ई रेस टू एच मायनस वन अपॉन ई रेस वन आणि मग ते ई रेस टू एच मायनस वन अपॉन एच पण लॉग ही होणार. लॉग ही होणार आणि ते पण वन होणार. वन होणार, दॅट इज व्हॉट वन. बरोबर आहे. वन इक्वल टू आवर टू के, करेक्ट? सो के विल बी हाफ. बरोबर आहे. साइन पुट कर दिया इतना. साइन सिंपल बात रचना. हो सर. काय भाई साइन थीटा, थीटा कोणता तुझा थीटा? हा आहे ना एवढा थीटा. मग साइन थीटा पॉझिटिव्ह असं असं थीटा एखादं फंक्शनच्या आत फंक्शन असेल तर तिथे आत लिमिट नाही घालतायत. नाही लिमिट नाही घालतायत. साइन थीटा अपॉन थीटा हा व्हॉट इज अँगल? ई रेस टू एच मायनस वन. सो डिवाइड बाय ई रेस टू एच मायनस वन मल्टीप्लाय बाय ई रेस टू एच मायनस वन, करेक्ट? आणि ऑलरेडी याच्या आहे तिथं डिवाइड बाय केलेला. यस, साइन थीटा अपॉन थीटा वन. दिस इज लॉग ई, दिस इज वन. सो किती आहे काय? वन. वन इक्वल टू आर टू के. सो के मस्ट बी हाफ. लिखो किसको डाउट है? एक ऑब्जर्व करो तुम लोग बच्चे लोग. मैंने अभी कल के दिन के लेक्चर में, सुनो मेरी बात, ठीक है होगा? सुनो मेरी बात. हाँ, मैंने कल का लेक्चर और आज का लेक्चर ऑब्जर्वेशन किया, पता चला कि तुम लोग हमारे बुकलेट को थर्ड क्लास समझते है. हाँ, और ये मेरे बुकलेट में कैसा है? लिमिट्स कंडिटरी के बुकलेट में कैसा है? हमारे बुकलेट में से अच्छे सम्स है, ध्यान में रखो. करेक्ट है? तुम हमारे बुकलेट में ऐसे टाइम पास समझते हैं? दैट इज वेरी वेरी बिग मिस्टेक डन बाय यू. अभी भी चांस सॉल्व करने के लिए. चलो आगे. लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस टू एक्स साइन टू साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स. लिख दिया. सो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो बोला मैडम. ओ मैडम बोला. हाँ बोलता का सजल?
क्या बोलते हैं उन्हें? सर डिवाइड बाय एक्स क्यूब करायचं. हाँ डिवाइड बाय एक्स क्यूब करायचं आणि वन मायनस कॉस टू एक्स ला एक्स स्क्वेअर द्यायचं. हाँ आणि साइन फाइव एक्स ला एक एक्स आणि खाली येणार साइन थ्री एक्स अपॉन एक्स. ओके आणि मग वन मायनस कॉस टू एक्स तिथे मल्टीप्लाय डिवाइड बाय फोर. मल्टीप्लाय डिवाइड बाय फोर. हाँ आणि साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स च्या तिथे मल्टीप्लाय डिवाइड बाय फाइव. आणि खाली मल्टीप्लाय डिवाइड बाय थ्री. मग ते वन मग फोर इंटू फाइव अपॉन थ्री येणार ना. फोर इंटू फाइव अपॉन थ्री कसं आलं बेटा? सर त्या दिवशी हे वन सांगितलेलं ना तुम्ही. काय सांगितलं? वन. वन मायनस कॉस टू एक्स अपॉन फोर एक्स स्क्वेअर. हा वन सांगितलं. हनुका तुला येत आता? हाफ 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 सांगितलं. सॉरी सॉरी हाफ सांगितलं. हनुका हनुकाच हे आन्सर नाही. येस ऑर नो दोनच ऑप्शन आहे त्याला. सर कसं आणणार? कसं आणणार? घरी येईल ना तुझ्या घरी. माझ्याकडे ऍड्रेस आहे ना तुझ्या घरचा. 10 ते 2 मोकळा असतो ना टाइम. कळलं का? ठीक आहे. इधर देखो वन मायनस कॉस टू एक्स इंटू साइन फाइव एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर साइन थ्री एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब. यस उसने बरोबर बताया संजय. पुढचं पण सांगायचं सजल तुला. सजल पुढचं पण सांगायचं तुला. डिवाइड बाय एक्स क्यूब किया. यस नीचे का देखो पहले मैं. एक्स पर कैंसल. एक एक्स बचेगा. व्हाट इज एंगल? 3x डिवाइड बाय 3x डिवाइड बाय 3 इंटू 3 हो गया ऊपर. अभी वो ठीक है. उसने फार्मूला इस्तेमाल क्या फार्मूला दिया था? 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर. हाँ तो उसने क्या किया? एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर इधर एक्स दिया. के एक्स का स्क्वायर होना चाहिए. तो क्या आ गया? 4 से मल्टीप्लाई किया. 4 से डिवाइड किया. इधर 5 से डिवाइड किया. 5 से मल्टीप्लाई किया. यस कितना है? आप लिख रहा हूं 4 इंटू ए हाफ इंटू ए 5 अपॉन 18 कितना होगा? 10/3. अभी मैं तुमको सजेस्ट कर रहा हूं ये बेसिकली ये फार्मूला तुम लोग इस्तेमाल करना है जब ऑड एंगल होगा तो. इवन एंगल होगा तो सिंपल है क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स. 1 माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स. 1 माइनस कॉस 4x इज टू साइन स्क्वायर 2x. तो नो इश्यू. ऑड होगा तो एक्स करना है सिंपल. सो ऑप्शन कितना है? 10/3 लिखो. हाँ सांग सजल पुढे. सांगताय का? सर डिसकंटिन्युअस. सांग ना मला सोल्युशन. सर लिमिट एक्स टेंड्स टू पाय बाय टू मायनस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू पाय बाय टू प्लस. आधी तुला कशा होता की करेक्ट आहे? इक्वल टू घेतलं तू. हा पुढे बोल. एक एक काढायचं आणि मग बघायचं. सांग ना मग आता पुढे. मायनसच्या तिथे एक्स साइन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू पाय बाय टू मायनस एक्स साइन एक्स इक्वल टू लिमिट पाय बाय टू प्लस पाय बाय टू साइन पाय प्लस एक्स. मग तिथे एक्स ची व्हॅल्यू पाय बाय टू टाकायची. पाय बाय टू साइन पाय बाय टू. हा तिकडे पण पाय बाय टू साइन पाय प्लस पाय बाय टू. हा मग पाय बाय टू पाय बाय टू कॅन्सल. पाय बाय टू पाय बाय टू पाय बाय टू कॅन्सल. हो पुढे बोल ना. साइन पाय बाय टू वन. हा साइन पाय बाय टू वन. पुढे साइन पाय प्लस पाय बाय टू येणार कॉस पाय. कॉस पाय अँड कॉस पाय इज मायनस वन. मायनस म्हणजे मायनस पाय बाय टू. ओके फाईन. साइन पाय बाय टू प्लस पाय. साइन पाय बाय दिस इज 3 पाय बाय टू मॅडम. साइन 3 पाय बाय टू इज मायनस 1 बरोबर आहे. यस
तो देखो क्या किया यहाँ पे, इसको सॉल्व किया इधर, इसको सॉल्व किया इधर, ऐसा करेक्ट है? फाइन, दोनों को सॉल्व किया, एक आ रहा है प्लस एक आ रहा है माइनस, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, कुछ लिमिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, समझ में आया? देखो बाउंड्री, व्हाट इज बाउंड्री? पाई बाई टू, सो एक्स लेस देन पाई बाई टू, मतलब एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस, सो एक्स लेस देन पाई बाई टू, एक्स साइन एक्स, पुट एक्स एज पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू वन, पाई बाई टू, इधर एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू मतलब प्लस, मतलब एक्स लेस देन पाई बाई टू, पाई बाई टू साइन पाई प्लस एक्स, एक्स इज व्हाट? पाई बाई टू, साइन थ्री पाई बाई टू इज माइनस वन, दोनों इक्वल है, सो डिसकंटिन्यूअस। लिखा क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट वन, ये समझ गया है, f of x equal to tan of pi by 4 minus x upon cot 2x, function is continuous at x to pi by 4, f of pi by 4 कितना? चलो बताओ, कौन बता रहा है? बोला सर लिमिट एज एक्स टेंड्स टू पाई बाय, हां आसान सर, टैन पाई बाय 4 माइनस एक्स इज 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स, हां सब्स्टिट्यूट लगा आली पर तो प्रॉब्लम से तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अगर सिंपल प्रॉब्लम है ना डिफिकल्ट क्या करते तू यार सारखी, सर डिफिकल्ट सिंपल है त्याने काय लिहिलं, मग 1 माइनस टॅन एक्स अपॉन 1 प्लस टॅन एक्स, आणि मग कॉट 2 एक्स ला टॅन 2 एक्स लिहून त्याला 2 टॅन एक्स अपॉन 1 माइनस टॅन स्क्वेअर एक्स, हां पुढे मग 1 माइनस टॅन स्क्वेअर एक्स ला 1 माइनस टॅन एक्स इनटू 1 प्लस टॅन एक्स, काय पोरगे सोड, पुट एक्स इक्वल टू एज पर मेथड पाई बाय 4 प्लस एच, पुट एक्स एज पाई बाय 4 प्लस एच, फाइन as x tends to 0 pi by 4 h tends to kitna 0 batane ki zarurat nahi as usual regular put x as pi by 4 plus h x ki value pi by 4 h ki value 0 kitna aayega tan of minus h upon cot of pi by 2 plus 2h tan of minus h is minus tan h upon cot pi by 2 plus what minus tan 2h बराबर है cot pi by 2 plus what minus tan 2 theta minus minus cancel dividing and numerator and denominator by h बराबर है
dividing numerator and denominator by h, divide by 2 into 2, kitna aaya ha, theta and theta upon theta is 1, kala sudhi ha to shortcut ithe method tula yel ala pan asel answer barobar read, but what important is time management. Fine. लिख दिया, रिपीट करो अगेन, x is pi by 4 plus h, x is pi by 4 plus h, या tan of minus h upon tan of multiply क्या, tan pi by 2 plus 2 h, for record, cot pi by 2 plus theta is minus tan theta, dividing numerator and denominator by h, divide by 2 multiply by 2, a1, कितना है, चलो यहाँ पे समझ दिया है, इनका होगा उनके लिए. लिखो फटाफट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स रेस टू 4 equal to and is continuous at x equal to 0, what is f of 0? कौन बता रहा solution, बताओ. समझ रहा question, यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं दिखा दे रहा तो. f of x is 1 minus cos of 1 minus cos x upon x raised to 4 is continuous at x equal to 0. Find f of 0. चलो बताओ, इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. अरे कोई भी नहीं, 1 माइनस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स रेस टू 4, देन बोल आर्यन, आर्यन बोल, हेलो सर, बोला सर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिखा लिखा या इधर दिखा दे रहा, लिखा आगे बोल, फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, क्या करूंगा, 1 माइनस कॉस इनटू 1 प्लस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एच, कहां पे सर, कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है बेटा, वो एंगल है उससे नहीं मिलेगा कुछ, कॉस का एंगल है वो सर, नहीं सर, 1 प्लस cos of 1 minus cos h से मल्टीप्लाई और डिवाइड, हां अच्छा बोल, 1 प्लस cos of क्या ऐसा बोलना, फिर हां जो क्या तूने यहां पे पढ़ा, नहीं सर, हां मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos of 1 minus cos h ऐसा, हां सर, ठीक है, ओके, फिर सर वो 1 minus और 1 प्लस sin square 1 minus cos h होगा, sin square 1 minus cos x होगा बराबर अपॉन एक्स रेस टू 4, बोल बोल ना, इनटू दिस 1 प्लस कॉस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, आगे बोल, फिर 1 माइनस 1 माइनस कॉस एच द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, अरे क्या बेटा टाइम पास कर रहे है तू, बेटा टाइम पास कर रहा है, कट 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 कट, टाइम पास करने के पास टाइम नहीं है, सॉरी 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 मित्रा सॉरी, और कोई है सर, हाँ बोला सर, आंसर 1/8 है का, क्षमा मी सांगते बारीस है सर, नहीं ते आधी तुम्ही म्हणालात ना की ट्रिग्नोमेट्री च्या आत नाही वापरू शकत लिमिट, तर तसं करून आलं माझं,
कसा तू सांग ना अगर भाई असं होत नाही साइन ऑफ फॉर एक्झाम्पल साइन ऑफ फोर एक्स असं कधी लिहित का लिमिट एक्स टेंड्स टू झिरो साइन ऑफ लिमिट एक्स फोर असं नाही नाही सर तसं नाही मग कसं सर आता ते वन मायनस कॉस ऑफ ब्रॅकेट मध्ये वन मायनस कॉस एक्स आहे ना हो सर त्याला लिहायचं टू साइन स्क्वेअर हा बरोबर आहे एक्सेप्टेबल आहे हा वन मायनस कॉस एक्स अपॉन टू टू साइन स्क्वेअर वन मायनस कॉस एक्स अपॉन टू अपॉन एक्स हा आता ते ब्रॅकेट मधलं वन मायनस कॉस एक्स आहे त्याला पुन्हा लिहायचं टू साइन स्क्वेअर एक्स बाय टू लिहिलं आणि आता त्या ब्रॅकेटच्या आतल्यातच एक्स रेस टू एक्स स्क्वेअर ने एक्स स्क्वेअर बाय फोर ने मल्टीप्लाय डिवाइड करायचं ओके 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 रचना आघाडी इकडे बघा जाऊ द्या बाई मी आता शॉर्टकट सांगितलं स्टार्टला त्याने पण शॉर्टकट मेथड सांगितलं तुमच्या डोक्यात का घुसले मला कळत नाही थेटा अजून गेलं काही वाईट आहे नाही सर मग वन मायनस कॉस थेटा अपॉन थेटा स्क्वेअर पाहिजे की नाही मग मी काय करणार अपॉन डिवाइडेड बाय काय करणार वन मायनस कॉस एक्स कॉस एक्स सर हा थेटा होल स्क्वेअर हा इंटू काय करणार इंटू तेच तेच अपॉन एक्स रेस टू फोर फोर हा याच काय झालं हाफ हाफ झालं बरोबर आहे का हाफ झालं डिनॉमिनेटर झिरो आहे म्हणून हाफ झालं कधी पण हाफ होणार नाही पण बघावं लागतं बरं का आपल्याला करेक्ट आहे ठीक आहे टी ट्वेंटी मॅच नाही की कोणताही शॉट मारायला लागला लागला छक्का असा नाही का हे इकडे बघायला पाहिजे एक्सची व्हॅल्यू झिरो वन झिरो वन बरोबर फाईन हे की झालं हाफ हा हे की झालं बेटा सर दिस इज वन मायनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर द बरोबर आहे दिस इज शॉर्टकट मेथड बघा देखो ये थीटा है अजून करू थीटा वन मायनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वेअर आहे तो इसका स्क्वेअर कर दिया डिवाइड किया मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स स्क्वेअर इज यस दिस इज हाफ ये स्क्वेअर कॉमन कर दिया Yes, one minus cos upon x square is half the whole square. One by time. Barabar, lipo. आगे दिया सर सम नंबर दिया है वहां पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कौन बोल रहा है बोल प्रतोष प्रतोष बोल सर एक्स एक्स को वन प्लस एच सब्स्टिट्यूट करना है एक्स को वन प्लस एच सब्स्टिट्यूट करना है देयरफॉर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो वन प्लस एच अपॉन रेस टू वन प्लस एच पर अपॉन एच माइनस वन हाँ सर फिर नेक्स्ट रेस टू कितना वन अपॉन है हाँ दैट इज ई ई फाइन फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है सिंपल है सो एफ अपॉन कितना आया ई बराबर पुट एक्स एज वन प्लस एच सो एज एक्स टेंस टू वन एच टेंस टू जीरो आंसर है
चलो बताओ सम दे तुम्हारे सामने चलो बताओ फास्ट समझ में आया f of x equal to 1 minus cos 4x upon x square x less than 0 less than 0 x फंक्शन इज कंटिन्यूअस चलो बोलो जल्दी फटाफट थर्ड फोन बोल रहे रेडमी टाइप करना हाँ बोलो कौन टाइप कर रहा है टाइप मत करो रेज योर हैंड और आस्क मी डाउट चलो सॉल्यूशन बताओ अरे कौन बोलता है हेलो हेलो बोला सर प्रनील हाँ बोल ना फटाफट बोल जल्दी बोल सर फंक्शन के 16 प्लस दोनों हाँ हेलो बोलना अच्छी तरह सर थंबनेल थर्ड ऑप्शन के डिनोमिनेटर रूट 16 की दोनों प्रनील डिवाइस चेंज कर तेरा माइक नॉट वर्किंग प्रॉपरली सुना नहीं दे रहा है हेलो हाँ बोल बोल जल्दी बोल थर्ड फंक्शन 16 प्लस प्रनील आई एम सॉरी आई कैनॉट गिव सर्विस टू यू आई एम सॉरी नॉट वर्किंग योर माइक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली कौन बोल रहा है बोलो दूसरा बोल ली सर हेलो हाँ बोला सर ते फर्स्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस वन माइनस कॉस फोर एक्स वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेअर त्याला मल्टीप्लाय आणि डिवाइड बाय 16 करायचं विच इज इक्वल टू ए लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो माइनस वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन 16 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 ओके हाँ इक्वल टू ए असणार ते लिमिट एक्सटेंड्स टू झिरो एफ ऑफ एक्स बरोबर आहे का हो हाँ आणि मग ते 8 येणार दॅट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 8 मैंने तुम्हारा साइकोलॉजी लेके समझलिया तुम लोग क्या करते जैसे इसको भी देखेंगे अरे इसको देखने की क्या जरूरत है जब इससे तुमको आंसर आ रहा है विद इन 1 मिनट तो व्हाई यूजिंग दिस प्रनील तो ऐसा कर रहे इसको कुछ तो भी तो पहले सिचुएशन देखो फर्स्ट एंड सेकंड से आंसर आ रहा है आगे सांग निसर्ग का पुढे निसर्ग का सम हो हो सर वाज का लिमिट y टेंड्स टू 0 x प्लस y sec ऑफ x प्लस y माइनस x sec x अपॉन y शाबाश सांग कसं सॉल्व करायचं एक मिनिट एक मिनिट <मिन्ट। laughs>
सर एल हॉस्पिटल रूल बोल यूज करायचा. हाँ तर मग यूवी रूल वापरायचं वरती एक्स प्लस वाय इंटू सेक ऑफ एक्स प्लस वाय टॅन एक्स प्लस वाय सेक ऑफ एक्स प्लस वाय टॅन एक्स प्लस वाय प्लस सेक ऑफ एक्स प्लस वाय प्लस इंटू सेक ऑफ एक्स प्लस वाय. कोणता यूवी रूल आहे आपल्याकडे मला सांगू द्या बरं जरा. सर एक्स प्लस वाय आणि सेक ऑफ एक्स प्लस वाय आहे ना यूवी रूल बरोबर आहे. हे ऍज इट इज आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय डेरिव्हेटिव्ह त्याचा sec of x plus y tan of x plus y त्याच्यानंतर मग 1 plus dy by dx म्हणजे दुकानाकडे जाईल दोन. हां त्याच्यानंतर 1 plus अग ठीक आहे ठीक आहे मॅडम. इथं व्हेरिएबल कोणता आहे y y मग आपण dy by dx कुठं आला तुमचा तर dy by dx आहे x plus y फाइन. हां पुढे बोल. आणि मायनस एक्स कॉन्स्टंट असेल आणि ते पण कॉन्स्टंट असेल ना मग सेक एक्स काय करते का तू बोलतो ना. हॅलो हा बोल ना पुढे काय तर पुढे एक्स एक्स सेक एक्स पण कॉन्स्टंट असेल ना मग असेल ना मग कॉन्स्टंट मग ते झिरो असणार. तुला यू रूल माहितीये का सर ते कॉन्स्टंट असेल ना एक्स सेक एक्स. तुला पण हाल पाहिजे आता त्या सारखं लेट इट बी. इधर देखो यहां पे व्हेरिएबल वाय है बिकॉज वेरिएबल टेंड्स टू 0 तो यस व्हाट इज देयर वेरिएबल वेरिएबल वाई इसका मतलब हियर कांस्टेंट इज एक्स. वी आर एक्चुअली हैबिचुअल टू टेक एक्स एज वेरिएबल. यहां पे उल्टा है वेरिएबल इज वाई है एक कांस्टेंट एक्स है. तो तुला यू रूल माहिती पूरे हे पूरे. हां सर यू रूल माहिती आहे का एक्स प्लस वाई इज डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना सेक इनटू टैन इनटू डी बाय डीवाई ऑफ एक्स प्लस वाई बरोबर आहे प्लस सेक ऑफ एक्स प्लस वाय इंटू डी बाय डी वाय ऑफ एक्स प्लस वाय हे माहिती तुला. फायनल एक्स एक्स का डी टू झिरो बिकॉज इट इज कॉन्स्टंट अपॉन वाय का डी टू वन लिमिट वाय टेन्स टू झिरो बरोबर आहे. यस एक्स प्लस वाय सेक ऑफ एक्स प्लस वाय tan of x plus y d by dy of x is 0 because it is constant and d by dy of y is 1 plus sec of x plus y this is good sum if d by dx of y is 0 because x is constant d by dy of y is 1 fine and put y as 0 so y sec put y as 0 x sec x into tan x plus sec x. कळलं मॅडम. हो सर. हा क्लियर. हा बोलो कोण आहे डाऊट आहे. अरे किसको डाऊट आहे सर. सर एक्स प्लस वाय ला समजा टी घातलं तर सिन्स y tends to 0 t will tend to x. तर मग ते असं येईल की लिमिट t tends to x t sec t minus x sec x upon t minus x. ओके तर मग आपला एकदम बेसिक फॉर्म्युला झाला ना f dash of दॅट इज फर्स्ट प्रिन्सिपल. दॅट इज x sec हा बरोबर f dash of t sec t ओके t ला x घालायचं मग x sec हा तेच येईल. ओके बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल. Okay. Next, limit x tends to 0. Sin 5 plus x minus sin 5 minus x upon x.
अभिरचना गाड़ी ने क्या बताया तुमको, बताता हूँ यहाँ पे। पहले सुन देखो, देखा, चलो बताओ ये कौन बता रहेगा। चलो बोला बोला सजल मैडम, बोला सर एक्सपांड करायचं। हाँ केलं मग कॅन्सल होतं दोन टर्म्स आणि दोन टर्म्स ऍड होतं आणि मग साइन एक्स अपॉन एक्स वन। ओके आंसर आहे बाबा इसका हुआ ना, लिखो सर साइन फाइव प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस फाइव साइन। मुद्दा बंद कर देगा, मुद्दा बंद कर देगा तू? नहीं सर। ठीक है, और लाइक दिस साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये भी चलेगा। उसने करेक्ट बताया साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी, दोनों का एडिशन अपॉन टू कितना टेन अपॉन टू, और दोनों का सब्ट्रैक्शन अपॉन टू मतलब टू एक्स अपॉन कितना होगा टू कॉस फाइव साइन एक्स अपॉन एक्स, दिस इज वन, व्हाट इज आंसर टू कॉस फाइव। लिख दिया, आगे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नो डाउट एल एच आर बराबर है, क्या समय लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एल हॉस्पिटल रूल है, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म है, और अभी वो रचना ने बताया उसके मुताबिक बता रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए, और वन अपॉन एक्स प्लस बाजू में रख दिया मैंने, फाइन इसको लिमिट दिया एक्स की वैल्यू ए वन बाय टू ए हो गया इसका, इट इज लाइक दिस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए बराबर है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, so this is definition of first principle that will be f dash of x, f of x minus f of a upon x minus, that is f dash of x matlab sin square x are equal to 2 sin x cos x limit x tends to kitna a correct hai 2 cancel put x ali sin a cos a upon a aur 2 cancel nahi kiya to bhi chalega q sin 2a upon 2a 2 se multiply kiya बहुत हो गए, कितने सम हो गए, इधर है सेजल सम्स, सेजल सम इधर है आज से 11 अने काल से कितनी 23 का इतनी। ओके ठीक है, हाँ बोलो क्या डाउट है, कंक्लूजन इज दैट स्टिल यू आर पुअर इन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, मेरा जो अजम्पशन था वो गलत निकला,
कि तुमको लिमिट्स अच्छी तरह आ रहा है, कंडीडेट अच्छी तरह आ रहा है फॉर थीटा पॉइंट ऑफ व्यू, रॉन्ग हो गया। डेरिवेटिव्स, अभी आज अपन 2019 के सम सॉल्व करेंगे, 2019 के ओके जो रेगुलर में से वही। पहला सम y इक्वल टू, अगेन आई एम टेलिंग यू वी विल सॉल्व सम्स फ्रॉम 2019, सो यू विल कम टू नो x is sec theta, then dy by dx at theta equal to pi by 4, कितना? डेरिवेटिव शॉर्टकट वगैरह तुमको मालूम है कौन कौन सी शॉर्टकट है दैट आई विल टेल यू। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं, जैसा मैंने तुमको रेगुलर में सिखाने के टाइम में पता था एग्जैक्टली वन ईयर बैक, कैसा x raise to m, y raise to n is x plus y raise to m plus n. Then dy by dx is y by x. Booklet देखो, इज्जत के साथ मैंने दिया booklet देखो, उसको कुछ मत समझो, उसमें shortcut है सब, हाँ? Learn all the shortcuts. देखो पहला सब मैं शुरू कर देता हूँ, as it is parametric function. dy by dx, तुमको डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, फैक्ट बता रहा हूँ, जोक कर रहा हूँ, तुमको डेरिवेटिव नहीं आ रहा पुअर बच्चों को, तो तुम लोग शाम को आज 5 बजे ज्वाइन हो सकते हैं, मैं 12 का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, उसमें तुम लोग बैठ सकते हैं ऑनलाइन, फुकट है फुकट, पैसा नहीं उसके लिए, फाइन। देखो dy by dx log derivative 1 upon sec theta plus tan theta into derivative of sec theta plus tan theta. Sec theta tan theta plus derivative of tan theta is sec square theta. बराबर है, log derivative 1 upon derivative of sec is sec into tan plus tan derivative sec square equal to कितना? Sec theta. Q sec theta common निकला, कितना मिलेगा? Tan plus sec, tan plus sec, tan plus sec cancel. Dx by d theta, derivative of sec is sec into tan. You are differentiating theta with respect to theta. So no doubt dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. कितना? Sec theta upon sec theta tan theta. कितना? 1 upon tan. 1 upon tan is cos. They want dy by dx at theta is pi by 4. That is cot pi by 4. Cot pi by 4 is 1. करेक्ट है, y का वैल्यू दिया है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy by थीटा निकला, 1 अपॉन दिस डिवाइड थीटा ऑफ दिस, sec थीटा कॉमन, sec plus tan कैंसिल, sec थीटा, dx by थीटा इज व्हाट, sec थीटा tan थीटा, सो dy by x इज दिस अपॉन दिस, दोनों का रेशियो लिया, 1 अपॉन tan इज व्हाट cot, फाइंड dy by x at थीटा इज pi by 4, cot by 4 इज 1। चलो बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन? y इक्वल टू साइन ऑफ, क्या साइन ऑफ इन ब्रैकेट 2 tan इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स dy बाय dx, कितना? कौन बता रहा है? y equal to sine of 2 tan inverse of root 1 minus x upon 1 plus x dy by dx, kitna?
y equal to sine of 2 tan inverse of root 1 minus x upon 1 plus x divided by x कितना? बताओ जल्दी बताओ. बोला प्रांजल मैडम. हाँ सर, x is equals to cos 2 theta टाकाय छ. हाँ x is equal to cos 2 theta टाकाय छ. मग theta is cos inverse of x by 2. Theta is cos inverse of x by 2. मग y equal to sin of 2 tan inverse of tan theta. नक्की का? हो हो fix. 2 tan inverse of 1 cos 2 theta upon 1 cos 2 theta upon 2 cos square tan square root of 3 tan theta. So y equal to sin 2 theta. हाँ मग theta चा जागी cos inverse of x by 2 टाकायचं. Sin of 2 theta जागी किती टाकायचं? Cos inverse of x by 2. हाँ 2 2 cancel. मग म्हणजे ते आलं साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स म्हणजे रूट ऑफ 1 मायनस कॉस स्क्वेअर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. काय पूरी तू याच्यामध्ये? सर सोपं जात ते याच्यामध्ये बघ आता. व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन टू थीटा? हाउ टू राइट 2 साइन साइन टू थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अंडर रूट 1 कॉस टू नाही होऊ शकत का? हाँ हो सकता. मग मी सर मी तेच सांगितलं ना. इन्वर्स करायचं आधी उगीच कॉस आणि कॉस इन्वर्स कन्फ्युजन नाही करायचं पोरांना. साइन टू थीटा अंडर रूट 1 मायनस कॉस स्क्वेअर थीटा. व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस बेस एक्स एक्स स्क्वेअर. झालं किती सोपं आहे? हा मग मी तेच सांगितलेलं. बरं माफ करा मला, माफ केलं का? टॉप रूट. व्हाट इज टॉप रूट? 1 अपॉन 2 root of 1 minus x square into minus minus x upon root 1 minus x square dy by dx. Fine. अब तूज बग बराबर तूज सांग चला. तुझी मेथड इसे cosine of 1 is 2 theta cos inverse of x. So sine of under root का है? Under root of? नहीं, under root of 1 minus कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स द होल स्क्वेअर. मग ते एक्स स्क्वेअर झालं असतं ना. बरं हो ना. बरं झालं ना मॅडम. बरोबर चालो. ओके चलो लिखो. चलो कोई भी बताओ, जिनको आ रहा है बताएगा. लिख दिया. बताओ व्हाट इज वाई टेन इनवर्स ऑफ बोला रुचा मैडम. बोला सर 1 माइनस कॉस 3x ला 2 sin square 3x by 2 लिहायचं. हाफ अँगल फॉर्म्युला 2 sin square 3x by 2 upon 2 sin 3x by 2 cos 3x by 2. 2 कॅन्सल होतो, x sin कॅन्सल होत आणि मग ती व्हॅल्यू ब्रॅकेट मधली tan 3x by 2 येते. ओके देखो 2 2 कॅन्सल, sin sin कॅन्सल, sin upon cos tan. हा मग y इज इक्वल टू 3x बाय 2. ओके आणि मग dy बाय dx इज इक्वल टू 3 बाय 2. dy बाय dx इज 3 बाय 2. इट इज सो सिंपल. लिखो करेक्ट.
आगे संध्या है. What is given sum? Y equal to log of x plus under root x square plus 25 under root x square plus 25 minus x. Then dy by dx kitna? Sang. कोई बता रहा है? लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट 25 एक्स स्क्वायर प्लस 25 अपॉन दिस डिवाइड बाय दिस कितना बता पास. बोलो सर आधी जे दिले ते सिंपलीफाय करून घ्यायचं. हां कॉन्जुगेट ने डिनोमिनेटरचा कॉन्जुगेट घ्यायचा. x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25 माइनस x. हां सर डिनोमिनेटरचा कॉन्जुगेट घेऊन वर खाली मल्टिप्लाई म्हणजे प्लस x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25 द होल स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो इसका कॉन्जुगेट कितना है रूट प्लस एक्स. तो रूट प्लस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ऊपर आएगा ब्रैकेट स्क्वायर नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है ना. सो मग एक्स स्क्वायर कट आणि 25 ला लिहायचं 5 स्क्वायर. ओके मग ते स्क्वायर तो 2 खाली आणायचा. ओके आणि मग खालचा जो 5 आहे तो लॉगच्या प्रॉपर्टीने लॉग ए बाय बी ला लॉग ए मायनस लॉग बी म्हणजे तो कॉन्स्टंट होऊन जाईल म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह घेताना सोपं होईल. मग काय होईल पुढे सांगा त्याच्या पुढे सांगा. सो म्हणजे 2 लॉग x प्लस रूट 2 लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस 25 मायनस लॉग ऑफ 25 बरोबर आहे. इसको जिम क्या मैंने x बाय y लॉग ऑफ x बाय व्हाट फाइन लॉग ए माइनस लॉग बी और ए टू नीचे का है यस बरोबर ना. ते फाइव स्क्वेअर लिहायची गरज नव्हती बरोबर कारण तो झिरो होणार आहे बरोबर आहे यस बरोबर पुढे बोल. सम आता आदर डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकतो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल डी वाय वाय इक्वल टू टू अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट इंटू मोठा ब्रॅकेट मध्ये वन प्लस 1 by 2 root into 2x. 1 by 2 root into worthy 2x. त्या fraction मध्ये. हां. पुढे. बट 2 2 कट. आणि LCM घ्यायचा. ओके. 2 2 कट हां. सम LCM root plus x upon root. जनरल सम है ये ऐसा दिखाई दे रहा है. कैसे देखो एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स. अरे मैं क्या सोच रहा हूँ समझ में आ रहा है एक्स प्लस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स रूट में देन डिवाइड बाय इतना आता है टू कॉमन है यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा नो डाउट है. क्या क्या देखो रैशनलाइज के यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया अभी बताया मल्टीप्लाई बाय रूट प्लस एक्स सो रूट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस
हे कॅन्सल. फाइन, लॉग ए बाय बी, लॉग ए मायनस लॉग बी, ये टू नीचे आएगा. डिफरेंशिएट टू एज इट इज, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एफ ऑफ एक्स डिवाइड एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, डिवाइड एक्स ऑफ एक्स इज वन प्लस रूट का डेरिवेटिव ऑफ रूट वन अपॉन टू रूट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स का प्लस 25 एज 2x. कैंसल कैंसल, ये एज इट इज, ये सिंपल है, रूट प्लस एक्स अपॉन रूट, ये और एक आंसर आंसर है सिंपल. लिखो नेक्स्ट सम दिया है, सांग सृष्टि सांग. प्रॉब्लम में मिल रहा है, एक मिनट. सृष्टि सान, रुचा तू नहीं सांगायचा आता, बाकी जन आपण सांगू द्यायचं. काय रुचा कळलं का? हो सर. हा बोला, कोण आहे बोला. सर ते टीला टॅन थीटा अज्युम करायचं सर. काय लिहू मग? सर मग साइन इनवर्स ऑफ टॅन थीटा अपॉन, टॅन थीटा अपॉन रूट वन प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा, म्हणजे ते सेक थीटा होईल. किती? सेक थीटा होईल तिथे खाली. मग टॅन ला साइन अपॉन कॉस आणि सेक ला वन अपॉन कॉस केलं तर मग कॉस कॉस कट होत आणि मग फक्त साइन थीटा, मग साइन हा मग थीटा आलं आणि मग सेकंड कॉस इनवर्स च्या तिथे पण टॅन वन अपॉन रूट वन प्लस टॅन स्क्वेअर म्हणजे वन अपॉन सेक दॅट इज कॉस, मग ते पण कट होत आणि थीटा येत आणि मग त्या दोघांना डिवाइड केल्यावर वन, दोघांना डिवाइड केल्यावर वन म्हणजे ते इकडे म्हणजे डीवाय डीएक्स अपॉन डी थीटा आणि डीवाय अपॉन डी थीटा आपल्याला डी एक्स अपॉन डीवाय बरोबर करेक्ट. पण काय अजून केलं का? लेट एक्स इक्वल टू लेट वाय इक्वल टू, हा इथं देखो बरोबर आहे क्लिअरली. रूट बघा कुठे एक्स टॅन थीटा, सो टी टॅन थीटा, सो टॅन अपॉन टॅन थीटा अपॉन रूट वन प्लस टॅन स्क्वेअर दॅट इज सेक स्क्वेअर, रूट ऑफ सेक स्क्वेअर इज सेक. कॅन्सलेशन क्या? साइन थीटा, साइन ऑफ साइन थीटा इज थीटा. सेम हियर, पुट एक्स टॅन थीटा वन प्लस टॅन स्क्वेअर सेक स्क्वेअर, रूट ऑफ सेक स्क्वेअर इज सेक, वन अपॉन सेक इज कॉस, कितना है थीटा. सो डी एक्स बाय डी थीटा आएगा वन, डी वाई बाय डी थीटा आएगा वन, सो डी वाई बाय डी एक्स इज डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, कितना आएगा वन. चल सांग सृष्टी सांग नेक्स्ट सांग. सृष्टी बोला. सर एक्स रेस टू वाय इक्वल टू ई रेस टू एक्स मायनस वाय, दोन्ही साइडला लॉग घ्यायचा,
सर मग वाय लॉग एक्स इक्वल्स टू एक्स मायनस वाय होईल. लॉग इज वन यस. सर मग दोन्ही साइडला डेरिवेटिव घ्यायचा मग यूवी रूल ने येईल वाय बाय एक्स प्लस लॉग एक्स डीवाय बाय डीएक्स आणि त्या साइडला वन मायनस डीवाय बाय डीएक्स. सर मग रिअरेंज केल्यावर डीवाय बाय डीएक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू वन मायनस वाय बाय एक्स. सर मग आपल्याला एक्स एक्स इक्वल्स टू वन पाहिजे सर. तर मग ओरिजिनल फंक्शन मध्ये एक्स इक्वल्स टू वन टाकायचा हा. सर मग वन रेस टू वाय इक्वल्स टू वन रेस टू वाय इक्वल्स टू ई रेस टू वन मायनस वाय. वन रेस टू वाय विल बी वन. सर आणि मग वन मायनस वाय विल बी झिरो एज ई रेस टू झिरो इज वन. ई रेस टू झिरो इज वन बरोबर आहे. दिस इज ई रेस टू झिरो इज ई रेस टू वन मायनस वाय. सो वन मायनस वाय इज झिरो. सो वाय इज वन. सर मग डीवाय बाय डीएक्स जे भेटलंय त्याच्यामध्ये दोन्हीच्या व्हॅल्यू टाकायच्या. ओके सो इक्वेशन नंबर वन घेऊस. डीवाय बाय डीएक्स इक्वल टू वन मायनस व्हाट इज वाय वन अपॉन एक्स इज वन. बस हो गया झिरो. झिरो प्लस लॉग वन. वन मायनस वन झिरो अपॉन लॉग वन इज वन. गुड करेक्ट. आपल्याकडे नोटबुक आहे का मॅडम आता राईट नाऊ? हो सर. कोणती नोटबुक? माझी नोटबुक डेरिव्हेटिव्हची. हो सर आहे. गुड. मग त्यामध्ये हे सम तुम्हाला सापडले का बघा बरं. त्यामध्ये मी डायरेक्ट डायरेक्ट म्हटलं स्टँडर्ड वन आणि वर लिहून दिलंय. If we are getting this sum, काय सम? X raised to y equal to e raised to x minus y. तुम्हारा नोटबुक में है. मला फोटो का पाठवायचा सृष्टी झाल्यावर. हा लेक्चर झाल्यावर. हो सर. सृष्टी. हो सर. हा इकडे बघ. सभी के लिए उसके लिए नहीं सभी के लिए. ये शॉर्टकट डायरेक्ट फॉर्मुला इला नहीं करो क्वेश्चन. एक एक्स रेस टू वाय इक्वल टू रेस टू एक्स माइनस हा सम मी घेतलेला आहे. दोन मेथड ने सॉल्व करून दिलेला आहे. तो फोटो मला पाठवा. स्टँडर्ड लिहिले तिथं. या डिवाइड बाय एक्स लॉग एक्स अपॉन वन प्लस एक्स द होल स्क्वेअर. लॉग एक्स द होल स्क्वेअर. पुट एक्स इज वन. पुट एक्स इज वन. लॉग वन अपॉन वन प्लस लॉग वन द होल स्क्वेअर. वन प्लस झिरो. इथे ऊपर झिरो. लॉग वन इज झिरो. झिरो अपॉन वन झिरो. इतना करने की जरूरत नहीं. करेक्ट बताओ. नो डाउट. बट इज स्टैंडर्ड सम. लिहून दिला स्टैंडर्ड. मला पाठवायचं सृष्टी नंतर. हो सर. ओके. ध्यान में रखो स्टैंडर्ड सम. एक्स रेस टू वाई इक्वल टू रेस टू एक्स माइनस वन. डिरेक्टली डी वाई बाय डी एक्स आता है. लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर. पुट एक्स एज वन. डिरेक्टली यू गेट जीरो. लिखो पटापट. सांग. एक्स इज साइन थीटा. वाई इज साइन क्यूब थीटा. डी टू आय बाय डी एक्स स्क्वेर एज थीटा इक्वल टू पाय बाय टू. कितना? X is sin theta, y is sin cube theta, d to y by dx square, f theta is pi by 2. Spurti zopli ka? Good.
झोपली की नाही बोल बोल बेटा लवकर बोल. हा सर डीएक्स बाय डी थीटा डीएक्स बाय डी थीटा साइन थीटा बरोबर सांगितलं मॅडम काय आता बरोबर सांगशील ना. हा चल डीएक्स बाय डी थीटा इज कॉस थीटा कॉस थीटा मग dy by d theta is dy by d theta is 3 sin square theta into cos theta 3 sin into cos theta so mag dy by dx is 3 sin square theta 3 sin square theta cos theta upon cos theta that will be 3 sin square theta ha pude सर मग x थीटा इज पाय बाय 2 दिले विचार करो सर x इज sin थीटा सो dx बाय dt इज cos थीटा dy बाय dt कितना आहे दिस sin थीटा द होल क्यूब पॉवर फंक्शन आहे सो 3 sin थीटा * d बाय d थीटा sin थीटा इज cos थीटा टेक रेशियो ऑन दिस कॅन्सल केला इतना 3 sin स्क्वेअर थीटा हां पुढे therefore we want d to y by x square theta is pi by 2 ha bolna lokar baba sir mog theta is sin inverse of x ha ma theta is sin inverse of x pude mog that substitute kara ani आणि मग ते येणार x स्क्वेअर हां मग मग d2 y हो नाही थांबा नाही सर सर y सबस्टिट्यूट y चं वाजे सबस्टिट्यूट काय करू मग करू काय सर मग त्यात सबस्टिट्यूट करा ना dy / dx = 3 sin स्क्वेअर थीटा आहे ना हां dy / dx is 3 sin स्क्वेअर थीटा मग पुढे सर मग थीटा इज sin इनवर्स ऑफ x अबे इथे डायरेक्टली आहे ना पूरी साइन थीटा आहे हां तेच 3 आहे मग d2 / dx स्क्वेअर इज 6x 6x आणि असं ऑप्शन तरी आहे का मग मग x x = sin थीटा सो sin π / 2 इज 1 मग आंसर आला तर मग 3 व्हेरी गुड हां इधर देखो dy बार इतना मिला 3 sin स्क्वायर थीटा सो d2y बार d स्क्वायर मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बिकॉज़ वी वांट d2y बार dx स्क्वायर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू d2y बार dx स्क्वायर कितना आएगा 3 आ जाएगा sin स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2 sin थीटा रेस्ट टू 1 * डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा इज cos थीटा into d theta by dx उशारी नहीं करने का काय ये सर्किट तुला काय विचारलं सर कासला काय करायचे तुला डायरेक्ट डिफरेंशिएट करावा लागेल कळलं 3 आहे इट इज sin स्क्वेअर रेडी कितना 2 sin theta cos theta वेरिएबल्स आर डिफरेंट d theta by dx दैट इज 6 sin theta cos theta what is d theta by dx d theta by dx is 1 upon cos theta 1 upon cos theta kita aayega 6 sin theta 6 what is sin theta is pi by 2 to kita aayega 6 likho patapat dy by dx निकालने के बाद तुमको डिफरेंशिएट करना जरूरी विद रिस्पेक्ट टू x 3 आज इट इज sin स्क्वायर रूट 2 2 sin थीटा cos थीटा * वेरिएबल अलग है d थीटा / dx ये आज इट लिख दिया d थीटा / dx इज 1 / cos कैंसिल किया
लिख दिया. सुनो सुनो बे, कल के दिन 1 बजे ऐसा लेक्चर होगा, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, हमने मैसेज डाला है ग्रुप पे, एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन की डेस्क थोड़ा होल्ड करेंगे, कल के दिन पहले खत्म करेंगे डेरिवेटिव्स, और कल के दिन ही टेस्ट रहेगा शाम को, किस पे? कंटिन्यूटी और डेरिवेटिव्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कल के दिन शाम को ही टेस्ट रहेगा, तब तक ये लर्न करो. सुनो, टेक्स्ट बुक के सॉल्व सम देखो, वो भी सीटी में आते हैं, दो दो मार्क्स के लिए छोटे छोटे सम. टेक्स्ट बुक के बाहर का एक भी सम तुमको सीटी में नहीं आएगा. आर यू गेटिंग? टेक्स्ट बुक के बाहर का एक भी सम तुमको बाहर का नहीं आएगा, वही आएगा, सिर्फ नंबर बदलेंगे. ठीक है, कल के दिन मिलेंगे 1 बजे और शाम को टेस्ट. सो प्रिपेयर करो डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी. टिल देन बाय.